नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के स्टूडियो में हम कुछ इस तरीके की रियलिस्टिक फोटो एडिटिंग करने वाले। तो दोस्तों, आपको भी इस फोटो को देखकर ऐसा लग रहा होगा कि ये फोटो एकदम रियल है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस फोटो को हमने एडिट करके कुछ इस तरीके से बनाया है। और दोस्तों, आज मैं काफ़ी सिंपल ट्रिक्स में बताने वाला हूँ कि कैसे हम कुछ इस तरीके की फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ओपन कर देना है पिक्सेल और प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करके हमें ऐसे सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। और यहाँ पर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर फ्री फोटोज पे टैप कर देना है और सी ऑल पे टैप कर देना है। और अब दोस्तों, हमें यहाँ से सर्च कर देना है बाइक। तो यहाँ से मैं सर्च कर देता हूँ बाइक। तो जैसे ही हम सर्च करते हैं बाइक, हमें कुछ इस तरीके के फोटोज आने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें लेना है ये वाला फोटो, लेकिन दोस्तों इसकी जो सैचुरेशन है ये ज़्यादा है। इसके लिए हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे और ऐसा ही एक फ़ोटो नीचे भी है, हम उसे सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमें थोड़ा सा और भी स्क्रॉल करना होगा और दोस्तों यहाँ से हमें सिलेक्ट कर देना होगा सेम वही वाला फ़ोटो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आ चुका है काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और यहाँ पर ये सेम फोटो आ चुका है, उस पर हमें टैप कर देना है। तो मैंने टैप कर दिया है, यहाँ से ऐड को कट कर देंगे हम। और अब दोस्तों यहाँ से हमारा फोटो हो चुका है ओपन। तो अब दोस्तों ओपन होने के बाद यहाँ पर हमें अपना फोटो लगाना होगा, इसलिए हमें चले जाना है ऐड फोटो पर और ले लेना है अपना फोटो। तो यहाँ से मैंने अपने फोटो को ले लिया है और अब दोस्तों हमें इरेज पर टैप करके पर्सन पर टैप कर देना है। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो फोटो है वो इरेज हो जाएगा और बैकग्राउंड जो है फोटो से निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो चुका है और इरेज हो चुका है हमारा बैकग्राउंड। अब हमें दोस्तों यहाँ से इरेज करके बाकी का भी जो कुछ है वो सब कुछ इरेज कर देना है और सिंपली सिर्फ हमारा फेस रखना है। तो ऐसे मैं बाकी सब कुछ इरेज कर देता हूँ। और दोस्तों हमें यहाँ पर इरेजर पर टैप करके हार्डनेस को एकदम 100% करना होगा, जिससे कि हमारा फोटो लगेगा एकदम शार्प। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इरेज कर रहा हूँ। और दोस्तों जो भी हमारा ऊपर का फेस है उसको भी हमें इरेज कर देना होगा परफेक्टली, क्योंकि दोस्तों उसमें जो हार्डनेस है वो कम है, इसलिए हमें हार्डनेस को 100% करके ऊपर भी इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फटाफट से इरेज कर देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इरेज करके कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से कर दिया है इरेज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। और रिस्टोर पे जाके पहले तो फिर से हम एक साइड कलर कर देंगे और फिर हम इरेज कर देंगे, जिससे कि हमारी हार्डनेस हो जाएगी परफेक्ट। तो मैंने इस तरीके से इरेज कर दिया है और यहाँ पर दोस्तों हम एडजस्ट कर देंगे अपने फेस को। तो दोस्तों इस फेस को मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है और हम यहाँ पर जूम करके देख लेना है। तो इसे हम और भी थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर देंगे, जहाँ से हमारा फोटो लगेगा एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों अब तो हमारा फोटो हो चुका है परफेक्टली एडजस्ट, हमारा फेस हो चुका है एडजस्ट। और अब हमें फेस पर टैप करना है और इरेज पर टैप करके यहाँ से हमें थोड़ा सा साइड का रिमूव कर देना होगा, जिससे कि हमारा फोटो लगेगा एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ा सा और जूम करना है और कॉलर की साइड में जो भी हमारा कुछ रह चुका है उसे हम अभी कर देंगे इरेज। तो यहाँ पर दोस्तों मैं फटाफट से कर देता हूँ इरेज। तो कुछ इस तरीके से हमें पहले तो कैपेसिटी को कम कर देना होगा, लेकिन दोस्तों कभी कभी वो कैपेसिटी कम नहीं होगी, तो इसलिए हमें कुछ इस तरीके से इरेज कर देना है। तो मैंने कुछ इस तरीके से हमारे जो कॉलर पर जो पार्ट रह चुका था उसे इरेज कर देता हूँ। तो अब दोस्तों उसे जो हो चुका है इरेज और ये परफेक्ट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा और नीचे से शार्प कर देंगे, तो जिससे कि पता नहीं लगेगा कि हमने इसे इरेज किया। और हार्डनेस को हमें हमेशा 100% पे ही रखना है, जहाँ से हमें परफेक्टली कर सकेंगे अपनी एडिटिंग। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ये भी हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट। और अब हमारा फोटो आप देख सकते हैं किस तरीके से लग रहा है और बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ से हमारा फोटो तो हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा एक लोगो आ चुका है, ये इस लोगो को भी हम कर देंगे इरेज। तो इसके पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे हैंड्स का कलर, आप ध्यान से देखो हमारा हैंड्स का कलर और फेस का कलर, तो ये दोनों कलर दोस्तों मैच नहीं हो रहे। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको हमारे हैंड्स का कलर और फेस का कलर। तो दोस्तों इस कलर को हमें मैच करना होगा और पहले तो यहाँ पर ड्रॉ पर हम चले जाएंगे और यहाँ से हमें कलर पर चूज करके, कलर पर टैप करके
हमारे हैंड्स का कलर चूज कर देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हैंड्स का कुछ अलग टाइप का कलर लग रहा है, तो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देंगे, पूरा एक कलर कर देंगे। अब दोस्तों हम फिर से कलर पर जाएंगे और हम फेस का कलर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फेस का कलर ले लिया है और वही कलर को हम यहाँ पर ओकेपेसिटी को कम कर देना है और हमें हार्डनेस को भी कम कर देना है। और अब दोस्तों उसी कलर को हम अपने हैंड्स पर लगाएंगे, तो वहाँ से हमारा हैंड्स का और फेस का कलर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जैसा हमारा फेस का कलर था वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम कलर हमारे हैंड्स पर भी आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज भी कर देता हूँ और हमें यहाँ पे लेग्स पे भी वैसे ही करना है, सेम टू सेम वही ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। तो वहाँ से हमारा फेस, हैंड्स और लेग्स पूरा एक कलर का हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम उस हैंड्स की तरफ जाते हैं, तो वो हैंड भी थोड़ा सा दिख रहा है, उसे भी हम कलर कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये भी हो चुका है कलर बिल्कुल परफेक्ट और अब हमें कर देना है डन। अब दोस्तों यहाँ पे हम फिर से चले जाएंगे ड्रॉ टूल पे और थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव कर देंगे इस इमेज को। अब दोस्तों हम ओपन कर देंगे लाइटरूम और रीटच कर देंगे हमारा फोटो बिल्कुल ही। और यहाँ पर दोस्तों पहले तो हम इसे लोगों को रिमूव करते हैं, तो लोगों को रिमूव करने के लिए हमें हीलिंग टूल पर जाना होगा और हीलिंग ब्रश पे जाने के बाद यहाँ से हमें लोगों पर ऐसे कर देना है। तो लोगों पर क्लिक करके यहाँ से हमारा जो दूसरा पार्ट आएगा उसे हमें उस जगह पे रखना है जिसका पार्ट हमें लोगों पर लाना होगा। तो यहाँ पर लोगों थोड़ा सा रिमूव हो चुका है, अब हमें फिर से उसके ऊपर यहाँ पे हील पर टैप कर देना है। और यहाँ पे दोस्तों अब हम फिर से इसे एडजस्ट करने के बाद लोगों पर फिर से एक टिक कर देंगे और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जो दूसरा पार्ट आएगा उस पार्ट को हमें उस जगह पे रखना है जैसा पार्ट हमें ऊपर लाना है। तो कुछ इस तरीके से हमें इरेज करते रहना है और यहाँ पे लोगों पे टैप कर करके कुछ इस तरीके का हो जाएगा हमारा फोटो। और यहाँ पे हमारा लोगो बिल्कुल ही हो चुका है इरेज। तो अब दोस्तों अब हम चले जाएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे और अब हम चले जाएंगे टेम्परेचर पर। तो अब दोस्तों हम चले जाएंगे यहाँ पर, टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे हम। तो टेम्परेचर को हम कर देते हैं थोड़ा सा इंक्रीज। और अब दोस्तों हमें चले जाना है मिक्स पर। और यहाँ पर हमारी बाइक जो है वो कुछ ऑरेंज कलर की है, इसलिए हमें जो रेड कलर को भी लेना है, रेड कलर को यहाँ पर यू को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। सेम दोस्तों यहाँ पर हम ऑरेंज कलर के पर भी करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे जो बाइक का कलर है वो ऑरेंज ज़्यादातर लग रहा है, इसलिए हम ऑरेंज को भी वैसा ही कर रहे हैं। पहले तो हमारा हो चुका है रेड का, अब दोस्तों हम सिलेक्ट कर देंगे ऑरेंज। ऑरेंज की भी हम यू को कम कर देंगे और दोस्तों सेचुरेशन को है बढ़ा देंगे। तो अब दोस्तों हमारा बाइक का कलर बिल्कुल हो चुका है परफेक्ट। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा किस तरीके की बाइक हमारी शाइन हो रही है। तो अब दोस्तों हम चले जाएंगे येलो कलर पे, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बैकग्राउंड है वो है येलो कलर का। तो येलो को भी हम ऐसे ही करेंगे, हम अगर एकदम कम कर देते हैं तो वो हो जाता है ये ऑरेंज टाइप का, और एकदम ज़्यादा कर देते हैं तो वो हो जाता है ग्रीन। तो हमें यहाँ पर हमारी चॉइस यूज़ करनी है, हमें ऑरेंज रखना है तो ऑरेंज कर देना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर यू को कम कर दिया और सेचुरेशन को बढ़ा दिया थोड़ा। अब मैं ब्लू कलर पे ऐसा करता हूँ, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा हमारा जो बाइक है वो ब्लू कलर का भी है, तो ब्लू को भी हमें सेचुरेशन को बढ़ा देना है। यू को हम कुछ भी नहीं करेंगे, ओनली सेचुरेशन को बढ़ा देंगे। तो अब दोस्तों यहाँ से हमें यू को थोड़ा सा और कम कर देंगे। और दोस्तों पर्पल पे भी हमें ऐसा ही करना है जैसा कि हमने ब्लू पे किया था, क्योंकि दोस्तों वो भी हमारे बाइक का ही कलर एक है, तो इसलिए। और अब दोस्तों हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा और चले जाना होगा प्रीसेट पर। प्रीसेट पे जाने के बाद यहाँ से दोस्तों हमें चले जाना है विविड पर, और विविड पे टैप करते ही दोस्तों एक अलग सी फीलिंग आ जाती है हमारे फोटो पर और एकदम रियलिस्टिक फोटो लग रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर कोई भी नहीं कह सकता कि हमने इस फोटो को एडिट करके बनाया है, ये फोटो एकदम हो चुका है रियलिस्टिक फोटो। तो अब दोस्तों हमें शेयर पर टैप करके सेव टू डिवाइस कर देना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।